वेलकम टू फिजिक्स गुरु। ये क्वेश्चन ह्यूमन हार्ट के बारे में है, लेकिन ये बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स 5 लीटर्स ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट एट ए प्रेशर ऑफ 150 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इफ द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी बी 13.6 × 10³ kg/m³ एंड जी इज इक्वल टू 10 m/s² द पावर ऑफ द हार्ट इन वॉट इज। ये क्वेश्चन ए आई पी एम टी में पूछा गया है। तो पहले हम डेटा लिख लेते हैं जितने भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहला लाइन कहता है 5 लीटर ऑफ ब्लड, यानी कि ये क्या दिया हुआ है हमको, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम कितना वॉल्यूम हार्ट पंप करता है, तो वो है 5 लीटर। ओके, कितने टाइम में करता है ये काम, ये भी बोला गया आगे, पर मिनट, यानी कि टाइम टी इज इक्वल टू 1 मिनट, न कि सेकेंड। ओके सॉरी, 1 मिनट है ये। एट ए प्रेशर ऑफ, प्रेशर कितना दिया है, 150 मिलीमीटर मर्करी। तो हार्ट के अंदर प्रेशर डेवलप है ताकि वो ब्लड को डिलीवर कर सकता है। तो प्रेशर पी इज इक्वल टू 150 मिलीमीटर ऑफ Hg। और डेंसिटी भी दिया हुआ है इसका, मर्क्यूरी का 13.6 × 10³ kg/m³, और जी क्यूर इतनी है। तो पावर कितना है, पावर ऑफ द हार्ट, तो देखो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, वर्क डिवाइड बाय टाइम। और वर्क को हम लिख सकते हैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम, क्योंकि जैसे वर्क इज इक्वल टू पी इंटू वी होता है ना, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो प्रेशर भी दिया हुआ क्वेश्चन में, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, और टाइम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेकिन ये सारा डेटा SI यूनिट में नहीं है, ये नॉन SI यूनिट है। जैसे कि पहला लीटर, तो लीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम के SI यूनिट में, यानी कि मीटर क्यूब में। तो 1 लीटर में होता है 10⁻³ m³। इसका रीजन ये है कि मैं यहां लिख देता हूं कि 1000 लीटर, 1000 लीटर में होता है 1 m³ का वॉल्यूम, इसलिए ये ऐसा कन्वर्ट हो गया। अब टाइम 1 मिनट है, तो मिनट भी SI यूनिट नहीं है, सेकंड में कन्वर्ट करो इसको, 60 सेकेंड्स। और ये जो प्रेशर है 150 mm ऑफ मर्क्यूरी, ये भी SI यूनिट नहीं है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैसे। अब देखो इधर ही बैरोमीटर का डायग्राम दिख रहा है, टोरी सेलिस बैरोमीटर, इसमें मर्क्यूरी का हाइट जो है वो H है। तो यहाँ पर जो 150 मिलीमीटर बताया गया है, तो मतलब कि ये जो मर्क्यूरी का हाइट इसमें राइज होगा वो 150 मिलीमीटर होगा। तो बैरोमीटर फॉर्मूला क्या कहता है कि प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। रो जो है वो मर्क्यूरी का डेंसिटी है, इसके अंदर जो मर्क्यूरी की डेंसिटी रो है, जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच यही वाला हाइट जितना राइज हुआ है, तो वो 150 मिलीमीटर है। तो हम इसको रो जी एच में कन्वर्ट कर देंगे, प्रेशर रो जी एच हो गया। अब रो जो है वो डेंसिटी है मर्क्यूरी का, जो कि 13.6 × 10³ दिया हुआ है। अच्छा ये तो SI यूनिट में दिया है, इसलिए कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, kg/m³ की वैसा यूनिट है। जी का वैल्यू भी 10 दिया हुआ है, जो कि वो भी SI यूनिट है, m/s². और फाइनली जो हाइट है वो 150 मिलीमीटर है, तो उसको भी SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिलीमीटर होता है 10⁻³ m, तो ये हो गया इतना। अब ये पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इससे आंसर आता है 20400, 20400। और क्योंकि हमने डेटा SI यूनिट में रखा है, तो जो फाइनल आंसर वो भी SI यूनिट ही होगा। तो क्या होगा SI यूनिट इसका, प्रेशर का, N/m² या फिर उसको पास्कल भी कह सकते हैं। अब हमारा सारा डेटा SI यूनिट में आ गया, अब हमें जैसे पुट करना है, प्रेशर को लिख दो 20400, वॉल्यूम हो गया 5 × 10⁻³, और डिवाइड बाई टाइम हो गया 60 सेकेंड्स। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 1700 × 10⁻³, यानी कि 1.7। तो यूनिट हो जाएगा वाट, 1.7 वाट। वाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी।